हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी जो है सुबह का वक्त है, सो गुड मॉर्निंग। तो अभी आप देख सकते हो घर का हालत, अभी रूम का हालत। तो अभी बेबी जो है स्कूल जा चुकी है, तो अभी मैं घर में थोड़ा ठीक ठाक कर रही हूँ। तो पहले रूम से शुरुआत करते हैं, तो कपड़े वपड़े पहले ठीक ठाक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह का वक्त है, तो ज़्यादातर सब बिजी होते हैं। तो झाड़ू और मारना, कपड़े ठीक ठाक करना, सभी घर में ये होता है। तो चलिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं आज का दिन। सबसे पहले मैं सारे कपड़े जो समेट रही हूँ, समेटने के बाद में फिर घर में थोड़ा सा झाड़ू लगाऊंगी। तो छोटी बहन का जो है वो ज़्यादातर उनका नाइट ड्यूटी रहता है, वर्क फ्रॉम होम। तो वो अभी अभी उठी हैं, तो उठकर उन्होंने नाश्ता किया है। तो उनका मतलब ज़्यादा काम दिन में नहीं होता, क्योंकि वो रात भर वो काम करती रहती है 2-3 बजे तक। तो इसी वजह से वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं सुबह। तो ये देखिए, अभी पूरा अच्छी तरह से थोड़ा मैंने साफ़ कर लिया है। तो आप देख सकते हो बिस्तर में जो है पितरू पितरू जो है सो रहा है एकदम कंबल के अंदर। वो जो रात को मतलब गायब रहता है ज़्यादातर, तो आके सुबह में आकर मतलब सोते रहता है घर में। तो ये देखिए, आज सुबह नाश्ते में पूड़ी बनाया था। तो कल रात का जो वो चिकन बनाया था उसके साथ में ही खाया। तो जैसे कि आपने देखा होगा, चिकन का मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर देख लीजिए। तो मैंने बिस्तर थोड़ा सा साफ कर लिया है और अब पितरू को उठा कर थोड़ा साइड में रख दिया है। तो अभी पापा ने देखा है कि पितरू पूछ रहे थे कि पितरू को क्यों इस तरह से उठाया, क्या वो बीमार है। तो मैंने बोला कि पितरू जो है वो ज़्यादातर नाइट ड्यूटी करता है, तो सुबह सुबह आके घर में सोता है। तो पापा हंस रहे थे कि उन्होंने पहली बार इतना बिल्ली देखा है जो इतना सोता है, बोल के तो हंस रहे थे। तो वही साइड में देखिए कितना मजे से वो सो रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि कपड़ा उपड़ा समेटना हो चुका है, तो अभी थोड़ा झाड़ू मारा जाए। तो बस ये सिटिंग रूम से लेकर अपना रूम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद में धीरे धीरे सारा रूम में साफ सफाई किया जाएगा। तो ऐसे होकर हम साफ करके बाहर के वरांडा में जाएंगे साफ करने के लिए। आज दोस्तों खाली हम झाड़ू मारेंगे। कल जो है मैंने पोछा मारा था, तो वैसे सीढ़ी वीढ़ी को भी पानी से देकर मैं धो लेती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से पानी की तंगी हो रही है, ज़्यादातर नहीं आ रहा पानी। तो दोस्तों अभी मैं ये गार्बेज जो है फेंकने जाऊंगी। तो
जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, तो कचरा यहाँ वहाँ हम नहीं फेंक सकते, तो बस कचरे को अच्छी तरह से एक जगह जमा करके हमको नीचे में एक तरफ रख देना है, तो फिर म्यूनिसिपैलिटी वाले आते हैं, फिर कचरा ले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैक्स और सारी बिल्लियों का खाना बन रहा है। 2 3 चिकन डाल दिया है खाने में, पानी और नमक के साथ। बस उसको अच्छी तरह से पकाना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कपड़ा धो रही हूँ, तो ये वॉशिंग मशीन में। तो इनका खाना बन चुका है, अब मैं दे रही हूँ इनको खाना। तो देखिए कितना सब आ गए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो है, ये भी देखिए कितना एक्साइटेड है खाना खाने के लिए, सब आ गए हैं। खाना जो है ठंडा करके दिया है, बहुत पहले ही पक चुका था, तो ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने ठंडा होने के लिए। बस ठंडा होते ही बस उनको खाना दिया है अभी। तो अभी थोड़ा सा बर्तन जो बचा हुआ था यहाँ पे, तो बर्तन को धो लेती हूँ, उसकी थोड़ी साफ सफाई। तो दोस्तों अब मैं नहा चुकी हूँ, तो आज मैं थोड़ा सा ब्लीचिंग करूँगी। तो बहुत ही मतलब सन टैन हो गया है, तो अभी जो मिक्स कर लेती हूँ ये ब्लीचिंग क्रीम जो है, तो ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगी सबको, क्योंकि ये केमिकल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचुरल यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं फेशियल करूँगी, मसाज करूँगी फेस में। तो जैसे कि क्लिनजिंग क्रीम जो ख़त्म हो चुका था, तो ऐसे ही मामा अर्थ का एक हैंड एंड बॉडी लोशन था, तो उसी में थोड़ा सा पानी मिलाकर मैं थोड़ा फेस मसाज कर रही हूँ। तो 10 15 मिनट तक आपको इस तरह से मसाज करना चाहिए, तो फेस बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो आफ्टर 15 मिनट्स आप एक भीगा हुआ एक फेस टॉवल से अपना फेस वॉश कर सकते हो इस तरह से धीरे धीरे। तो अब मैं ये ब्लीचिंग क्रीम लगा रही हूँ, जो कि मैंने फेशियल के आगे में, मसाज करने के आगे में मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। तो अगर आपको ये फेम ब्लीचिंग करना है, तो सबसे पहले तो आपको टेस्ट करना चाहिए आप वेदर आप सेंसिटिव हो कि नहीं। आप अपने हाथ में एक जगह एक पैच बनाकर आप टेस्ट कर सकते हो, तो मतलब आपको टेस्ट करना ही चाहिए। तो इस तरह से आप लगाकर आपको 15 मिनट 10 15 मिनट तक आपको छोड़ना चाहिए। तो अगर आप सेंसिटिव है, अगर आप ये ब्लीचिंग अगर आपको सूट नहीं होता है, तो आपको लगाना नहीं चाहिए। तो अगर आपको ईचिंग हो रहा है या स्किन कलर चेंज हुआ है, तो आपको लगाना नहीं चाहिए। तो और अगर आपका पीरियड्स हो रहा है, उस समय भी आपको नहीं लगाना चाहिए। वैसे भी आप जानते होंगे कि लाइक पीरियड्स के टाइम में आपको हेयर डाई नहीं करना चाहिए, इस तरह का मतलब स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए, इवन फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज़ ना, तो उनको भी इस तरह का केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो बस ये ब्लीचिंग मैंने कर लिया है, अभी मैं 10 15 मिनट तक रुकूंगी। अब 10 15 मिनट के बाद में ये हो चुका है 10 15 मिनट, तो अभी मैं धीरे धीरे करके पूरा ये क्रीम जो है निकाल लूँगी। ये मैं ब्लीचिंग जो है लाइक आफ्टर 3 मंथ्स के बाद मैं कर रही हूँ। 3 मंथ्स पहले में मैंने किया था एक बार ब्लीचिंग जो है। तो वैसे एज बढ़ने के हिसाब से मतलब पूरा फेस में एज स्पॉट्स आ चुका है। अभी देखिए मैं एक गीला टॉवल से अपना फेस साफ कर रही हूँ। हाँ तो वैसे तो इसके बाद मैं अच्छी तरह से टॉवल के साथ में वॉश करने के बाद में बस मैं पानी से अपना मुंह धोऊंगी। साबुन बिल्कुल आज नहीं लगाना है आपको, लाइक 24 आवर्स मेंटेन करना है विदाउट सोप।
फिर एक ड्राई टॉवल से बस पैट करना अपना फेस इस तरह से धीरे से। हाँ, और आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आफ्टर ब्लीचिंग आपको सोप यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको पोंछ लेना है। तो अभी दोस्तों मैं अभी ये प्लम का जो है फेस मास्क लगाऊंगी। तो ब्लीचिंग करने के बाद में अपना स्किन को हील करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए सबसे पहले मैं अभी ये फेस मास्क लगाऊंगी और 10 मिनट तक मैं अपने फेस में छोड़ दूंगी। तो दोस्तों अभी 10 मिनट हो चुका है और देखिए मेरा मास्क जो है पूरा सूख चुका है ये। तो अभी जाकर मैं अपना फेस धो लूँगी। तो ये हो गया, तो थोड़ा सा ये साइड में लगा हुआ है फेस मास्क, तो बस पैट करके मैं पोंछ लूँगी अभी फेस टॉवल से। तो इस तरह धीरे धीरे फेस टॉवल से आपको पोंछ लेना है। तो अभी दोस्तों मैं ये VLCC का रोज़ वाटर लगाऊंगी, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो आपको रगड़ना नहीं है, बस पैट करना है। पैट करके थोड़ा सा ड्राई के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। तो अब मैं लगाऊंगी ये लोटस का सीरम प्लस मॉइस्चराइज़र, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरे पिगमेंटेशन और एज स्पॉट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। वैसे मेरा स्किन जो है बहुत ही सेंसिटिव है, तो ये है लोटस ब्राइटनिंग क्रीम। तो मेरा स्किन जो है बहुत ही सेंसिटिव है, तो ज़्यादातर जल्दी टैन हो जाता है। तो इस क्रीम को लगाकर मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला है, मतलब इवन मेरा पिगमेंटेशन में भी बहुत लाइट हो गया मेरा पिगमेंटेशन। इवन एज स्पॉट्स जो है वो तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत लाइट हो गया है। तो ये रेकमेंड करूँगी क्योंकि मेरे स्किन में तो बहुत सूट हुआ है। तो अभी ये देख सकते हो आप, ये आईब्रो पाउडर है, तो ये मैं लगाऊंगी आईब्रो पाउडर। तो आईब्रो लाइट होने की वजह से, मतलब ये आईब्रो पाउडर जो है बहुत ही एक अच्छा डेफिनेशन देता है, थोड़ा डार्क दिखता है आईब्रो पाउडर जो है। तो उसी से मैं थोड़ा आई शेडो यूज़ जैसा कर लेती हूँ, तो एकदम लाइट ब्राउन है, तो इस तरह से मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ये है लैक्मे का स्मच प्रूफ काजल। और लास्टली एक मस्करा, मस्करा से बस फिनिश करना है। और ये है निविया का टिंटेड लिप बाम। तो फेस थोड़ा सा ऑयली लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पाउडर लगा लिया है। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग।